वो पता नहीं चला डैम फंड कहाँ गया, हमने भी उसके लिए पार्टिसिपेट किया, सबने किया, फौज ने भी किया, तो आप उसको करोला में ट्रांसफर कर दोगे, डैम तो पता नहीं कब तक बनेगा, यहाँ पे तो लोग बढ़ रहे हैं इस वक्त, तो उसका तो फ्यूचर बता दें क्या है, और क्या हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस और आपका जो फंड था उसमें जितने पैसे भी है। जी जी कामरान, पहली चीज के डैम फंड तो वहीं का वहीं है। अच्छा, वो तो डैम के लिए एलोकेट किया हुआ है, वो मेरे ख्याल पता नहीं 14 अरब रुपया उसमें पड़ा, तो वो तो उधर ही जाएगा। पहली चीज सिर्फ मैं ये कह दूं कि ये जो जब लॉकडाउन की बात करते हैं ना, और मुझे शुरू में तनकीद भी इसके ऊपर बड़ी हुई, लेकिन मैं अपनी कौम से एक चीज कहना चाहता हूं, आज प्लीज जाके कच्ची आबादियों में जाएं, या इस्लामाबाद में दो कच्ची आबादियां वहां जाएं, अगर कराची में है तो मच्छर कॉलोनी में जाएं, वहां के उनके जो औरंगी टाउन लियारी, इधर जरा खुद जाके देखें। और मैं कौम को कहता हूं कि क्या देखें कि वो कितनी देर लोगों को आप लॉकडाउन कर सकते हैं जिन हालात में वो रहते हैं, सात सात आठ आठ लोग एक दो कमरों में हैं, पानी साफ आ नहीं है, जुड़े हुए हैं लोग, आप कितनी सोशल डिस्टेंसिंग कर सकेंगे। ये हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, ये बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी ने एकदम लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, आज वहां इतना बड़ा क्योस आया हुआ है, वो एस्टिमेट करते हैं कम से कम 10 करोड़ लोग एकदम जो डेली वेजर है वो जाके बैठ गए हैं, और उनके पास कुछ नहीं है, और वहां भूख है, और वहां बुरे हालात है। वहां देखें, हर मुल्क अपनी कंडीशंस के मुताबिक फैसला करे। हमें एक चीज पता है कि जिधर ज्यादा लोग जमा होंगे वहां ये फैलता है, ये हमें पता है, लेकिन हमें साथ साथ ये बैलेंस करना है कि जो लॉकडाउन के असरात हैं क्या उससे नुकसान तो नहीं हमारे माशरे में, जिधर इतनी ज्यादा गुर्बत है, जिधर इतने ज्यादा मसले हैं वहां हो जाएंगे। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे जो फैसले होते हैं पाकिस्तान में, और मैं आप बात कर रहा हूं 70 साल से फैसले होते रहे, हम फैसले करते हैं सिर्फ एक छोटे से एलीट के ऊपर, एक एलीट क्लास के फैसले होते हैं। तालीम है, किसी ने ये नहीं सोचा कि इंग्लिश मीडियम से कितने लोगों को फायदा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं एडवांटेज मिल रही, क्योंकि जो ओपिनियन, जो सारे डिसीजन मेकर्स हैं वो उस क्लास पे बैठे हैं जिनको फिक्र, वो फिक्र नहीं करते नीचे। आप अदालतों में चले जाएं, आप जेलों में चले जाएं, सिर्फ गरीब लोग हैं वहां। ताकतवर के लिए बड़े बड़े वकील हैं, अरबों रुपए की चोरी करेंगे वहां पकड़ता नहीं है। अस्पतालों में हम सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैदा हुए थे, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छी स्टैंडर्ड के थे, मेडिकल कॉलेजेस थे। आज आप चले जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ गरीब और ताकतवर, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स, या बाहर इलाज करवाने के लिए। ये जो दो पाकिस्तान है, ये जब तक हम फैसला नहीं करेंगे सोचते हुए कि ये जब हम लॉकडाउन करते हैं कच्ची आबादियों में, ये गरीब इलाकों में क्या होगा, कैसे वो कोप करेंगे, तब तक हमें फैसले नहीं करने चाहिए। एक मिनट, मैं कंप्लीट कर लूं। देखें, ये जब हम फैसले करेंगे सिर्फ एक एलीट क्लास के लिए, तो हमारे से गलतियां होंगी। अब ये एक ऐसी बीमारी आ गई है जो फर्क ही नहीं करती अमीर गरीब में। पहले आप गरीब बस्तियों में चले जाए, वहां हेपेटाइटिस सी एक एपिडेमिक है, वहां बच्चे मर रहे हैं, हजारों बच्चे मरते हैं पेट की बीमारियों से, क्योंकि साफ पानी नहीं है। लेकिन क्योंकि एलीट को अफेक्ट नहीं करता, उसके ऊपर देख लो कितना कदम उठाए। ये वो बीमारी है, अगर ये कच्ची आबादियों के अंदर फैल गई तो ये हो ही नहीं सकता कि वहां कंटेन रहे, ये जानी है डिफेंस में भी। इसलिए जब आप फैसले करते हैं तो पहले से सोचें कि हमने अगर ये फैसला करना है तो ये सारे पाकिस्तानियों के लिए होना चाहिए, सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं होना चाहिए। और इसलिए इसके प्रॉब्लम्स आएंगे अभी भी। मैंने इसमें आपसे बात कर ली, वो कॉल कह रहे हैं शायद। तो जी जी, एक कॉल आई है, डॉक्टर अफजल गोदर अब आप लाइन पे हैं। जी डॉक्टर साहब। सलामकुम जी, मैं डॉक्टर अफजल से बात कर रहा हूँ जी। मुझे पीटीवी न्यूज प्रोग्राम के जरिए पता चला की प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैंने अपना के जो दोस्त हैं जिसमें पाकिस्तान में डॉक्टर्स भी हैं और दूसरे शोबों से भी उनका तल्लुक है, उनसे कॉन्टेक्ट किया और कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबने बड़ा पार्टिसिपेट किया। तो ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी इन बल्का, मैं जो है वो $10,000 ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए के शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जावेद मियां दाद हमारे साथ है। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सबको सलाम वालेकुम।
जी जावेद भाई, आप तो बड़ी फंड रेजिंग में पहले भी छक्के चौके मार चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? जज्बा तो आपका हमेशा जबरदस्त होता है। बस मुझे तो अभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान भाई से मैं यही कहूंगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मतलब मांगते ही रहे, और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज, क्योंकि जो खाने वाले थे वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इज इन गुड हैंड,